अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाषा में बता रहा, अच्छा लग रहा है, कैनेडियन भाषा है इसको बताया तो 422 भाषा आती है बीच में। ये लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, चलान नहीं कर सकते, पहले आपको बता दूं। कहीं से चलान कटवाते फिर अब सोच रहा हूँ की एक बड़ी सी कोठी मिल जाए। कोठी मिलने के बाद मेरे को लग रहा है कि मैं पार्लियामेंट पे कब्जा कर लूंगा जाके। चेयर्स भाई, आमिर भाई की बाइक बता दूं, ये खड़ी उसी तरफ। ओ भाई साहब, बाइक गिर गई, बाइक गिर गई, बाइक गिर गई। माय गॉड, लग तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन ये कितने का होगा लगभग? ये नहीं बताना अभी। लेकिन कल आमिर भाई की बाइक आ रही है, ठीक है, इसकी खुशी मनाएंगे, केक काटेंगे। अमृतसर का मीटअप हो सकता है हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि अमृतसर में अपने को परमिशन मिल नहीं पा रही है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि जम्मू में हमें परमिशन मिल गई है, हमने जगह भी फाइनल कर ली, हमने। ओ भाई, ओ गुड मॉर्निंग है, ये भी आया। उठ जाओ भाई, उठ जाओ, आ जाओ, एक्सरसाइज वेक्सरसाइज कर ले। बस अब तुम दोनों गए, अब तुम दोनों गए, कोको आ चुका है। चलो कोको आओ, चले चलो चलो, हम चले, आ जा। नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ ही रहेगा अभी ये। रात को कोई डर रहा था इससे, अब भाई अपने आप ही इसके अंदर आके बैठ जाता है। इसको लग रहा है इसका नया घर आ गया है। अभी जब पता लगेगा ना, इसके अंदर पानी डाल के इसको नहलाएंगे, फिर भागेगा ये इससे। हाँ, कैसा लग रहा है ये आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा है, मज़ा आया, वसूल है पैसे? चलो सो जाओ, सो जाओ, आराम कर लो। लोग एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं, ये एक्सरसाइज से पहले ब्रश करता है। तुम्हें ब्रश क्यों करते हो लेकिन एक्सरसाइज से पहले, बता तो दे। आदत है, पानी पीना है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। वैसे पूरा दिन नहाता नहीं है, लेकिन ब्रश करके एक्सरसाइज करता है, ये बहुत बड़ी आदत है इसकी। आज कैमरा ऑन रखना, मैं नहाते हुए अपना आप भी दिखा दूंगा। आज वीडियो का टाइटल यही डाल ले, क्या आमिर ने दिखाई अश्लील हरकत? दिखाई वाली टी शर्ट दिखाई इधर से। देखो भाई, हमारी तो एक्सरसाइज हो गई है। देखो अभी ट्रिगर किस पे लगी है, देखो। ये लेट उठा तो ये अब एक्सरसाइज कर रहा है। और ये देखो, आमिर के लिए नया हेयर बैंड लेकर आया हूँ मैं। अबे रुक तो सही, अरे लग ही नहीं रहा, ये तो बहुत छोटा है। ओह, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं लग रहा? अरे भाषा में बता रहा, अच्छा लग रहा है, कैनेडियन भाषा है इसको बताया तो 422 भाषा आती है, बीच बीच में बोलता रहता हूँ। दोबारा बोलियो, ऐसे ही फंस गया ना, फंसा रहा इसको, खोलना भी नहीं आ रहा। कोको बैठा किचन के बाहर क्योंकि खाना बन रहा है। ये देखो, ये देखो, इसी को मैं दिखाने आया था। मैंने तो खाना की, ये क्या लिया ब्रेकफास्ट? पूरा दिन तो बेड पे क्यों लेटा रहता है? आप लोग कुछ कर रहे थे इसलिए? आप लोग, हम लोग जो मर्जी करें। मैंने सोचा फोन भी, एक बारी बेड से उठ गए तो उसके ऊपर दोबारा नहीं लेटना होता। चलो क्या उठ गए? पता है मेरी मम्मी मेरे को इतना डांटती थी ना, हमारे तो आगे शॉप होती थी और पीछे घर होता था, दो कमरे होते थे, तो मैं काम करते करते आके ना लेट जाता था बेड पे, मम्मी मुक्का मारती थी। शर्म नहीं है अगर एक बारी सुबह तुम उठ गए सो के, उसके बाद दोपहर को सोना है 2-3 घंटे तब लेटो, ये नहीं हर 5-10 मिनट बाद आके लेट जाओ। पीछे शक्ल बना रहा होगा पक्का, लेकिन ये सच्ची बात है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, मम्मी डांटती होगी अगर हम हर 10 मिनट में जाके बेड पे लेट रहे ना, तो पक्का आपको भी डांट पड़ती होगी, मैं इसको भी डांटता हूँ। अब कहाँ गया भैया? आया हुआ मीटर की रीडिंग लेने के लिए, बिजली का बिल आने वाला मोटा। गर्मी है ना, पूरा दिन एसी चलता रहता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज का सीन क्या है ना, आज अपने को चांदनी चौक जाना है, वहाँ पर कैमरे से रिलेटेड कुछ काम है, साथ में आमिर भाई को लखनऊ के लिए कुछ मिठाई लेनी है, आमिर भाई की बाइक की भी सीन है, मतलब आमिर भाई के इतने सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं ना, वो पूरा दिन हमें भगाते रहते। कल भी आपने देखा पूरा दिन करोल बाग बगाड़ था, ये लेना है वो लेना है। लखनऊ में उनकी प्रॉपर शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है, हो सकता है वो हमें छोड़ के लखनऊ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या रीज़न है क्या नहीं है वो उन्होंने वीडियो में बताने से मना किया। तो चांदनी चौक जाना है, उनकी बाइक देखने जाना है, एक छोटा सा काम दिल्ली में अपने को है वो निपटाना है, लॉर्ड ऑल्टो लेके जाएंगे और काम निपटा के आएंगे। ये आ गए आमिर भाई। हेलो, ये गिर गया। ये देखो भाई साहब, इसको खिला रहा है ना, ये गिरा गिरा के। नहीं, हाँ, गिर गया, खाते हुए गिर गया और उसने खा लिया, इसने जान के गिराया होगा। साहिबा मना करती है उसको नहीं देना खाते हुए। नहीं, वाटरमेलन दे सकते हो? दे सकता हूँ, पर अभी नहीं देना, उसका टाइम नहीं है। हाँ, खाने का एक टाइम होता है ना। ये वाटरमेलन खा रहा है, वहाँ आ गए बॉइल्ड एग, और ये भाई साहब डाइटिंग पे है, और एक आ रही है ये क्या, खिचड़ी, खिचड़ी दलिया, दलिया मेरी दलिया। अच्छा गलिया था वो, तो ये दलिया हो गया। और इसको देखो ये क्या कर रहा है,
तुझे कुछ नहीं दिया इन्होंने, भूखे है ना सारे ये, है ना? बोल रहे मेरे को सब खिलाओ। इसको कुछ दिया ही नहीं बेचारे को। क्यों नहीं दिया? कब दिया? कब दिया इसने खाई? पहले उसको पूछते हम। सबसे पहले उसको तेरे को दिया इन्होंने खाने के लिए? कोको दिया तेरे को इन्होंने खाने के लिए? नहीं दिया ना, मना कर रहा है। पूछा था, दिया तो कुछ भी नहीं है। चलो उधर। खाएगा अंडा? खाएगा जीभ निकाले बाहर। खाएगा? खाना आपने? उसको पता क्या है? प्लेट में जो चीज पड़ी है वो नहीं खाना। हाँ। जो हम खाएंगे वो ही खाना। अपना खाना नहीं खाना इसको। हाँ। जो तुम खा रहे हो वो खाऊंगा, भले ही वो सेम खाना हो। हाँ। सबको चाहिए इनकी बॉल, और सारा टाइम दूध थोड़ी हिलेगा। मैं लेकर आया हूँ ना ये बॉल, तो मेरी है, ले ले। अब ये लेके टेबल के नीचे चला जाएगा ताकि हम इसको पकड़ ना पाए। लो जी, लो निकल गए हम घर से, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है मेरा टिफिन, दिखाऊं आपको एक बारी। ये देखो, ये रहा मेरा टिफिन जिसके अंदर है बॉइल्ड आलू। अब जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है ना, अपना डाइट का पूरा ख्याल रख रहा हूँ। बाहर का खा सकता हूँ, बॉइल्ड एग वगैरह खा सकता हूँ, बॉइल्ड चिकन खा सकता हूँ, बॉइल्ड आलू मैंने साथ में ले लिए हैं, ये खाऊंगा। दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीदी की साइकिल ले जाए चलाने के लिए? दीदी साइकिल ले जाए एक राउंड मारने के लिए? कैरी ले जाओ। हाँ दीदी बहुत अच्छी है, कैरी ले जाओ। वो देखो पूरा दिन लखनऊ वाली के साथ लगा रहा था, पूरा दिन। क्या दिक्कत का आ रही है? जो सामान भेजा ना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, जो सामान भेजा वो पसंद नहीं आया, मेन बसड़ी हो रही है। और आज चांदनी चौक जाने को कह रही है, रोज भगा रही है इसको, गुस्सा तो आएगा ही आएगा ना। और इसके चक्कर में हम भाग रहे, लेकिन हमें नहीं आ रहा गुस्सा, हमें इसकी हालत देख के तरस आ रहा है बेचारे पे। चल कोई बात नहीं, होता है होता है, चलता है, छोटी मोटी बातें होती है, ये जिंदगी है भाई, ये पूरी लाइफ ऐसे ही चलेगा। चल चांदनी चौक चले, चलते को मिठाई दिला देते हैं, ले टिफिन। चलो। ओ दीदी आपका बच्चा किडनैप कर लिया इसने। कहाँ जा रहे? ओए चल घर के अंदर, ओए नंगे पैर है, चल अंदर, जमीन गर्म है, पत्थर ना मार दे। गुस्से में लग रहा ना, पत्थर मार देगा। बाय पीयूष। चप्पल लगा ले भाई, वो इतना तेज है ना, टांड पे पत्थर पत्थर मार देगा तुम्हारी, फिर तुम रोते रहोगे। एक तो रोज की परेशानी ये है ना, ये जो पेड़ महाराज है, रोज बबल गम फेंकते रहते हैं, ऊपर से चिपक जाती है यहाँ। शीशा साफ करो इससे साफ भी नहीं होता, ज्वार बजे से गाड़ी साफ भी नहीं होती, क्योंकि चिपक जाता है अच्छा खासा ना। एसी फुल पे ऑन, आज तो तुमने इसकी आवाज़ भी सुन ली है, ले दोनों मुंह पीछे कर दिए, तू ले हवा, हमें नहीं चाहिए। क्या हंस भी रहा आगे से? चलान कट रहा भाई, बच गया शायद। ये लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, चलान नहीं काट सकते, पहले आपको बता दूं, कहीं से चलान कटवाते फिरो, क्योंकि मैंने भी ये सुना है, मेरे को प्रॉपर नहीं पता, कि जो व्हाइट वर्दी वाले होते हैं ना वो आपका चलान काट सकते हैं, ये चलान नहीं काट सकते हैं, आपको रोक के डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, थाने लेके जा सकते हैं, चलान वाले को बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो तो, लेकिन ये आपका चलान नहीं काट सकते, ऐसा ही होता ना, मैंने तो ये सुना है, बाकी आपको ज्यादा पता होगा शायद। ट्रैफिक पुलिस वाले वो काट सकते हैं चलान, ये ट्रैफिक वाले नहीं होते, ये होते हैं थाने वाले, मतलब पुलिस वाले। इंसान के जो ख्वाब है ना वो कभी नहीं खत्म होते। कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ ना, जब मैं शॉप के पीछे वाले दो कमरों में रहता था, मैं हमेशा गुरुद्वारे जाता था और भगवान से प्रे करता था कि मेरे को एक बड़ा घर मिल जाए, थोड़ा बड़ा घर, मतलब दो से चार कमरे हो जाए। चलो भैया चार कमरे में आ गए, फैमिली वहां शिफ्ट हो गई। फिर जब मैं उसमें शिफ्ट हो गया, मैंने बोला थोड़ा और बड़ा घर मिल जाए, मतलब जैसे बड़ा सा ड्राइंग रूम हो, ऑफिस के लिए अलग जगह हो, बाइक के लिए अलग जगह हो, वो वाला घर मिल गया। अब सोच रहा हूँ कि एक बड़ी सी कोठी मिल जाए। कोठी मिलने के बाद मेरे को लग रहा है कि मैं पार्लियामेंट में कब्जा कर लूंगा जाके। ये ना इंसान की सोच होती है, जब जेन थी तब मन होता था एसेंट ले लें, एसेंट आ गई उसके बाद मन होता था ये ले लें, अभी डिफेंडर आ गया मन होता है जी वैगन ले लें, जब जी वैगन आ जाएगी तब मन होगा उरुस ले लें, मतलब
इंसान बढ़ता रहेगा, हाँ हेलीकॉप्टर भी एयरप्लेन भी तो ये अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात भी है, सोचोगे ना तो बड़ा करोगे, लेकिन मैं ये सोचता हूँ इंसान रुकेगा कहाँ ऐसे। लेकिन जो मिल रहा है उसे भी खुश रहो। हाँ खुश रहो, सोचो बड़ा है उसके लिए मेहनत आ रहा है तो ले लो, लेकिन ऐसा मत रहो कि नहीं मेरे को करना ही करना, पागल हो जाओ। हाँ पागल ना हो, उदास मत हो कि जो है उसमें खुश रहो। भले आपके पास साइकिल है, भले आपके पास स्प्लेंडर है, भले आपके पास H2 है, कुछ भी है उसमें खुश रहो। खुश रहना सीखो, खुश रहना जरूरी है। बाकी दूसरे से प्यार करना सीखो, प्यार करो, बाकी सब मुंह में और प्यार है। और हमें प्यार देते रहो, हमें प्यार देते रहो। क्या कह रहा, मुंह में आया है, मुंह में आया है, मुंह में दे। ये देखो ये जा रहा हमारा सपना जिसको अभी हम जी रहे हैं, जो कभी हमारा सपना था वही है। सपना देखो और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करो। कलर भी सेम है भाई, ब्लैक। हां ब्लैक। घर से निकले थे चांदनी चौक जाने के लिए, एकदम से अपने को ध्यान आया। पिछली वीडियो में मैंने बोला था ना कि आमिर भाई की जो बाइक है वो फाइनल हो गई है, एडवांस देने जाना है, और जो नई राइड अभी हम करने वाले हैं, जो अभी आने वाली राइड है उस पे ये नई वाली बाइक लेकर जाएंगे। तो हो सकता है इनकी बाइक आज भी उठा लें, हो सकता है कल उठा लें, हो सकता है परसों उठा लें। आज 17 तारीख हो गई है, 18, 19, 20 को हम शायद यहाँ से निकल जाएंगे। इनकी बाइक चली जाएगी 20 को, लेकिन उसने इतना एडवांस करा दिया कि अब हमें टेंशन नहीं है कि हाँ वो बाइक उठाएगा ही उठाएगा। तो हम यहाँ पर एडवांस दे के अपनी इतनी बातचीत तो है कि यहाँ से बाइक उठा सकते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, उठा ले क्या जी? क्या हूँ, उठा ले। मुझे एक सवाल पूछना था, समीर ने अपनी घड़ी देखी, साला उसमें टाइम ही नहीं। क्या बात है, आ तो रहा है, तब नहीं आया था, तब नहीं आया। अरे वो बंद हो जाती है ना, ये देखो भाई ऐसे आता है, एक आला होगा। चल चल चल, आमिर भाई की बाइक बता दूं, ये खड़ी उसी तरफ। कैसी लग रही है, पैसे वसूल है, ले चले आज ही है। एडवांस दे के भी इसको समझ नहीं आ रहा कौन सी बाइक लेनी है कौन सी नहीं लेनी, अभी भी कंफ्यूज रहती सारी बाइक देख के ना। तो रस्ते से तो हम सोच के आए थे कि आज इसकी बाइक ले जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर आए ना, उनको हमने फ़ोन ही नहीं करा था बताने के लिए कि आज बाइक लेके जा रहे हैं। जब यहाँ पर आया तो उन्होंने बताया बाइक की भी डिटेलिंग नहीं हुई, चमक रही है लेकिन हमें चाहिए जब बाइक यहाँ से निकालना एकदम चमचमाती हुई, अमृतसर लेकर आए, जम्मू लेकर आए, तो डिटेलिंग होगी शाम को, कल हम बाइक उठा लेंगे। कल उठा लेना, फाइनली खत्म कर दें, ठीक है, डिटेलिंग हो जाएगी, कल बाइक उठा लें, कल आपको दिखा देंगे हमने कौन सी बाइक लिया। और एक बाइक मेरे को ही पसंद आ गई है, अब मैं फिर से कंफ्यूज हो गया। पहले मैं हायाबूसा और 1000 RR में कंफ्यूज था, मैंने हायाबूसा फाइनल करी क्योंकि 1000 RR खन्ना के पास भी है, मासूम के पास भी, हो सकता है हमारे डॉक्टर साहब भी ले रहे, तो अपने ग्रुप में तीन तीन हो गए, इसलिए मैं बूसा पे आया। अभी बूसा के साथ मैं कंफ्यूज हो गया एक बाइक और पे, जो कि बहुत पहले बंद हो चुकी है, लिमिटेड एडिशन है, इंडिया में मुश्किल से 3 या 4 ही पीस है, तो मैं उसमें कंफ्यूज हूँ वो उठा लूँ क्या। देखो बूसा तो मैं आने वाले 2 साल 3 साल जब मर्जी ले सकता हूँ, बूसा तो आई थी नहीं, लेकिन ये बाइक 2017 में बंद हो गई थी। अब आप सोचो मैं किस बाइक की बात करूँ, और बाइक आप देख लोगे आंखें ना आपकी ऐसी हो जाएंगी, ये क्या ले लिया भाई, मतलब ये कलेक्शन है कि अपने गैराज में हमने खड़ी कर दी ना, 4 चांद लग जाएंगे। कैसी लगेगी वो बाइक? मस्त भाई, क्या कलर है, क्या लुक है उसका, अलग ही है, अलग ही, आगे से भी पीछे से भी और साइड से भी ऊपर सब जगह, सब जगह से, आगे से भी पीछे से भी और ऊपर से भी और नीचे से भी और साइड से भी हर जगह से। तुम्हें कैसी लगी वो बाइक है कंचा? एक नंबर, एक से ऊपर नहीं, एक से ऊपर होता क्या है? जीरो नंबर। सारा दिन फोन पे, सारा दिन फोन पे, देखो अभी हंसेगा, अभी हंसेगा। सबसे मेन चीज रेट भी बराबर ही है, रेटों का फर्क नहीं आता। ये कितने की है मेरे ख्याल से 1 लाख की, वो 1 करोड़ की, बस बराबर बराबर ही रहता है सब कुछ ना। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, वो भाई साहब बर्ड्स भी दिख रही हैं, भाग गई वो तो, लेकिन हमारे शीशे की वजह से बढ़िया नहीं लग रहे। अरे ये नहीं हो रहा साहब, सुबह से 250 वाली तूने वाइपर चला दिया, फिर चला देता है ऐसी, देख लो भाई, वो भाई साहब बाइक गिर गई, बाइक गिर गई, बाइक गिर गई। तो अभी चलते चलते मैं बादल की वीडियो बना रहा था ना, एकदम से ध्यान गया वहाँ पर 3 बाइकें गिर गई, फिर हम रुके, वीडियो को मैंने कंटिन्यू नहीं करा, कैमरा बंद करा, रुके, सब के सब सेफ थे। एक्चुअली 2 बाइकें यहाँ से आ रही थी, एक यहाँ से आ रही थी, उसने यहाँ वाले ने टक्कर मारी, दोनों बाइकें गिर गई, खड़े खड़े गिर गई, मतलब चल नहीं रही थी, रेड लाइट थी आगे, तो किसी को चोट भी नहीं लगी और स्कूटी वूटी का भी नुकसान नहीं हुआ, हल्का फुटरेस्ट टूटा, सब सेफ है।
तो आमिर भाई वाला काम तो निपटा लिया, अपने को दो छोटे छोटे काम है यहाँ पर। पहले जाना BMW के शोरूम, सर ने फाइनली अपनी बाइक बुक कर दी है, नई वाली बाइक बुक कर दी है। अब कौन सी करी है वो तो डिलीवरी वाले दिन ही बताएंगे, और सर आज बिजी थे कहीं, तो कह रहे तुम्हारा चक्कर तो है ही है यहाँ पर जाके। एक चीज छोटी सी चीज पता करनी है, एग्जैक्ट अमाउंट जितने की पड़ी उन्होंने एडवांस भी डाल दिया है, तो कह रहे एक बारी आमने सामने जाके यहाँ पर अपने करण भाई उनसे मिल ले और एक चीज डिस्कस करके आनी है, वो इसमें नहीं बता सकते, सारी चीजें वीडियो में नहीं बताई जाती, सही नहीं लगता, तो वो जाके वो डिस्कशन करना है। फिर जाऊंगा सुजुकी की शोरूम, आखिरी बार उनसे पूछ लूंगा कि भाई कोई डेट वेट दे रहे हो, एडवांस भी नहीं ले रहे, कह रहे हमें पता ही नहीं है, तीन चार बाइकें आनी है लेकिन ऑलरेडी बंदों की बुक है, हो सकता है आपको दो महीने बाद दे, हो सकता है तीन महीने बाद दे, हो सकता है 20 दिन बाद दे दे, कैसे जिसने बुक करा, जैसे इसने बुक करा रखी है, अब इसका मन नहीं है लेने का तो ये कैंसिल करवा रहा है, तो इसकी वाली बाइक मेरे को मिल जाएगी, तो हो सकता है 20 दिन में मिल जाए, हो सकता है 3 महीने बाद मिले, तो फाइनल जाते हैं एक बार पूछ लेते हैं अगर मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही तो हमने जो बाइक देखी है ना अभी वो पूरे इंडिया में 3-4 ही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही बाइक घर ले आएंगे और आप देखोगे आप बोलोगे भाई जबरा फैन हो गए। दिखा था या आपने दिखा दिया? नहीं नहीं मैंने नहीं दिखाया, तो सरप्राइज है आपके लिए। हाँ रहने दे, नहीं वो दिखा देंगे ना हर बंदा समझ जाएगा, मतलब आप जबरे फैन हो जाओगे, मतलब वो कलेक्शन में 40 लाख के आसपास का बाइक है। हाँ नई बाइक को 40 लाख की है आसपास है, 2017 में बंद हो गई थी, 2017 मॉडल ही है और ऐसा पीस पड़ा हुआ है जो कि खाली चली है 1500-2000 किलोमीटर, बिल्कुल नई की नहीं खड़ी है, तो हम सोच रहे हैं भूसा तो बाद में भी उठा सकते हैं, मिल तो रही नहीं है ये उठा लेते हैं, ये ना निकल जाए हाथ से, प्लान कर रहे हैं, दोनों शोरूम हुआते हैं डिस्कशन करते हैं उसके बाद आपको बताते क्या हुआ। मेरे को ये बताओ करना क्या चाह रहे हो आप? हम देख रहे हैं बाइक, ये देखिए वाली, माय गॉड लग तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन ये कितने का होगा लगभग? ये नहीं बताना अभी पाजी, इनको और मत दिखाना नहीं बड़ी कर दो पता और क्या। देखो फिर फोन पे लगा हुआ है, हम शोरूम के अंदर ये शोरूम के बाहर, चल चल चले चले लेट हो जाएंगे, चलो क्या बोलूं क्या ना बोलूं या कुछ ना बोलूं। गए थे सर की बाइक की बात बात तो कर ली, सर को फ़ोन करके भी बता दिया, गए थे सर के लिए कुछ अपना काम देख कर आए हैं, एक बड़ा सा टीवी लगा होता है ना हाँ शोरूम के अंदर, वो टीवी बंद कराओ पहले वो टीवी के अंदर एक बाइक देख रहे थे, और इतनी सुंदर बाइक है बस आपको हल्की झलकी दिखाई है, तो अपन सोच रहे हैं कि वो वाली बाइक उठा ली जाए, मतलब ना मेरे को एक बाइक लेनी है, अब मुझे नहीं पता कौन सी लेनी है, जल्दी घर आने वाली है, लेकिन जो ये बाइक हम देख कर आए हैं ये मिलेगी जुलाई या अगस्त में डिलीवरी, अभी जा रहे सुजुकी, इनसे पूछते कब मिलेगी डिलीवरी, दोनों नहीं मिलेगी तो वो वाली उठा लें, कुछ ना कुछ हम तगड़ा कांड करने वाले हैं, बस यही लगा रहे, पहुंच गए हम सुजुकी पास में ही है। ये देखो यहाँ हमें कौन मिल गया, सरप्राइज मेरे को इन्होंने बताया नहीं, पहले फोन आया था तब मैं कहाँ जा रहा था, उत्तराखंड जा रहा था ना, अनंतपुर साहब जा रहे थे हम, तब इनका फोन आया था मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को पता नहीं है चले गए, बाय चांस की बात है यहाँ मिल गए, किसे कहते किस्मत, किस्मत आपकी नहीं मेरी हमारी सही है। और बताओ मुबारक मुबारक है, अरे आपको भी वैसे 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 वैसे। वो देखो डॉगी को लेके जा रहा है, उसकी पूछ जमीन पे घिस रही है, घिसने रही उसने अपने हिसाब से रखी हुई है, डॉगी बहुत शाने होते हैं, शक्ल भी नहीं देख पाया उसकी चला गया, एक तो शीशा मारा इतना साफ है ना, आधा नजर आता है आधा नजर ही नहीं आता है। चलो जी आज के जितने काम थे सारे निपट गए, सारे दिल्ली के आसपास के ही थे, सब निपट गए हैं, और ज्यादा कंफ्यूजन में आ गए हैं, सुजुकी बात हो गई, उन्होंने बोला जुलाई में आपको बाइक दे देंगे, सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में इनके पास आएगी, जोन सी भी लेनी है वो ले लो, लिमिटेड एडिशन वाली यार ऑरेंज कलर वाली वो लेनी है, ब्लैक कलर मेरा पर्सनल फेवरेट है वो लेनी है, जोन सी भी लेनी है जुलाई में मिलेगी, BMW बात करी जुलाई में मिलेगी, जो हम बाइक देख कर आए हैं जो है ही नहीं पूरे इंडिया में 3-4 ही है वो कह रहे जब मर्जी ले लो, अब दिमाग में ऐसा होच-पोच हो गया ना क्या करें क्या करें क्या करें, घर जाके सोचेंगे तालमेल बिठाएंगे जो अच्छा लाएगा वो आपको बताएंगे, लेकिन कल आमिर भाई की बाइक आ रही है ठीक है, इसकी खुशी मनाएंगे केक काटेंगे। पिल्लू पिल्लू तू रखना मेरे हाथ, जूते के पीछे लड़ाई हो रही है, किसका जूता कहाँ आएगा, नहीं हाँ इसको यहाँ घुसा रहा है और घुसाइए मेरे कैसे अंदर, घुसाइए मेरे नहीं घुसा रहा था ये, एक बार एक बार तूने रखा होगा, ये देखो आई नहीं रहे इसके अंदर पूरे, मम्मी का सब खा लो, देखो यार मैं वही बोल रहा था तुझे, ये वही बोल रहा था, तूने समझा नहीं ना, तू समझ नहीं रहा, तू समझदार नहीं है। इन भाई साहब को
मैंने वैसे बुलाया, आजा मेरे से मिल ले अच्छे से, जो बाहर मिला वैसे ही मिला, नहीं आ रहा था, इसकी बॉल उठा के लाया, उछलता हुआ आ गया, ये देखो, तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है ना, है तेरी चीज उठा के लाया, देखना कितने ध्यान से सुनेगा, तेरी मैं चीज उठा के लाया, सुन रहा मेरी बात, ओए रुको, कोई फायदा नहीं, बेइज्जती करवा बस तू मेरी, ये देखो भाग गया, ये क्या लेकर आई तुम, ये सामान लेके आई हूं, ये मेरा कुर्ता, हां ये क्या है, ये बाइक पे सामान रखने के लिए आपके, ये भी मेरा, हां वाह, ये भी मेरा, और क्या, ये तो पौने लग रहे रसोई के, नहीं ये वो है ना आपके हेलमेट के लिए साफ, अच्छा हेलमेट के लिए, ये भी मेरा, ये क्या सर में दर्द हो तो, अच्छा मतलब मेरे सर में दर्द रहता हमेशा जब ये दिमाग खाते में सर में दर्द होता ना उसके लिए, इसको देखो, तू मेरी बात सुन, जब तेरे को मैंने यहाँ बुलाया तब तो तू आया नहीं, है तेरा बोल से प्यार है तेरे को, सुन रहा नहीं सुन रहा है, क्या चल रहा है ये, बोल ना, हो गई मुसीबत हो गई, मिला क्यों नहीं मेरे से अच्छे से, कितने प्यार से पकड़ रहा, ये तो नहीं मिलेगी आज तेरे को, अगर तूने शर्ट गंदी करी तो तू गया, और ये बोल अगर तेरे को लेनी है कोको नीचे उतरो तो ले ले कोको, उक पागल है क्या भाई, नखून वाले ना दो बार याद करते, अरे ओ चल मैं नहीं दे रहा, ले ले केरी, क्या हुआ, खेलना है आपको, खेलना है, ये देखो इसको खेलना है मेरे साथ, एक बार दोबारा पूछूं, बड़ा मजा आता है इससे, जब आगे से जवाब देते ना, मेरे को खेलना है, खेलना है आपको, खेलना है, चलो फिर खेले, आ जाओ आओ, ये रही आपकी बॉल, चलो आओ फिर आओ, ये देखो आ गया, आ जाओ आ जा, चलो अब मैं फेंकूंगा और आपको लेके वापसी आनी है, ठीक है चलो जाओ कैसे उछलता हुआ गया, और इसको वापसी लाना नहीं आता, इसको ये चीज़ हम सिखा ही नहीं पाए, लेकर आओ वापसी, लेकर आओ, अब ये आगे आगे भागेगा, बस लाओ ये ऐसे खेलता है, ये लाओ लाओ लाओ, ओए ये बस गया सोफे, इधर आइए, ऐसे कैसे खेलेंगे, अकेला ही खेल ले फिर तू, क्या कह रहा है, वो बोल रहा है मैं छुपूंगा तुम ढूंढ लो उसमें ढूंढना क्या है, चला जा बाहर आ जा, निकल के भाग भी गया, पकड़ लो तुम इधर आ, ऐसे कैसे खेलेंगे, बॉल फेंकूंगा तभी तो दोबारा लाएगा, यार तू इधर आ बड़ा तेज हो गया ये पिल्लू ना, वो कौन आया वो देख, कौन आया, चल तेरी तो है मुझसे चलाकी, अब नहीं दूंगा तेरे को बोल लेके भागता है ना, कोको महाराज अब आ गए हमारे पूरे काबू में, और ये देखो चप्पल भी उल्टी, ये कोको ने चप्पल उल्टी करी है, सीधी करी है समीर, चप्पलों से खेलना भी इसको बहुत पसंद है, आपके घर में भी डॉग होगा ना, पहन एक बारी ये लेगा आप तेरी चप्पल, देख पहन के जा रहा है वो चप्पल, ले गया तेरी चप्पल, ले गया चप्पल, चल ले जा, ले जा, जा रहा है, कह रहा मेरी चप्पल कैसे लेके जा सकता है, देखो कैसे छीन रहा है इससे, ले तू ही ले, तो ठीक है यार आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, घर में बहुत सारी खुशी आने वाली है, एक बाइक कल आने वाली है, एक बाइक 10-15 दिन बाद आने वाली है, हमारी राइड शुरू होने वाली है, और एक चीज़ और बता दूँ, हमारा सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है, अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना, दूसरी चीज़ अमृतसर का मीटअप हो सकता है हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि अमृतसर में अपने को परमिशन मिल नहीं पा रही है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे बहुत मुश्किल हो रहा है, हालांकि जम्मू में हमें परमिशन मिल गई है, हमने जगह भी फाइनल कर ली, हमने कहाँ मीटअप करना है वो आपको मैं कल की वीडियो बता दूंगा, जम्मू का सारा सीन शॉर्ट है, लेकिन अमृतसर में हम हो सकता है मीटअप के आएंगे, लेकिन मीटअप नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ भीड़ इकट्ठी होगी, फिर पुलिस वाला सीन होगा, और मैं ऐसा कोई सीन नहीं करना चाहता कि जबरदस्ती मैं आऊँ, पुलिस आ जाए, भगदड़ मच जाए, मैं मिल ना पाऊँ, मतलब मेरे को वैसा सीन क्रिएट कभी भी नहीं करना होता, मेरे को ऐसा होता है कि आऊँ, सबसे मिलूं, जितने बंदे हैं सबसे फोटो क्लिक कराऊं, भागा दौड़ी वाला सीन नहीं करना, आया और निकल भी गया आपको पता भी नहीं लगा, बाकी ठीक है जैसा भी हुआ कल के व्लॉग में सारी डिटेल बता देंगे, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली लाइक करके बना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय बाय, वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।